भगवान श्री कृष्ण हमें गीता में बताते हैं कि स्थिर बुद्धि रहो, दृढ़ निश्चय बनो, अपने लक्ष्य के प्रति हमेशा सजग रहो, आपकी नजर हमेशा आपके लक्ष्य की तरफ रहनी चाहिए, आपका ध्यान कहीं इधर उधर नहीं जाना चाहिए, निंदा में और स्तुति में, नुकसान में या नफे में हमेशा सम रहें। अगर आप एक समान हर स्थिति में रह पाए तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो आइए इसी चीज को एक नाटक रूप में हमारे बच्चे प्रस्तुत कर रहे हैं, उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि जो प्रभु कृष्ण गीता में बताया है वो कैसे असली जिंदगी में हमें फायदा देता है और हमारी सहायता करता है। मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सकता नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सरेआम। मैं तेरी आंखों में उदासी। ये क्या गा रही हो तुम? हम लोग मुझे तो कुछ हम लोग को कुछ पसंद नहीं आया। मत गाओ। क्या कर सकते जवानी वैसे फिर देखिए। मुझे गाना बहुत पसंद है। जब मैं गाती हूँ मेरे परिवार वाले और मैं खुश हो जाते हैं। जब मैं गाती हूँ तो पंछी मेरे साथ गाते हैं, सब नाचने लगते हैं मेरी धुन पे। मैं अपनी कला को निखारूंगी, मैं और ज्ञान प्राप्त करूंगी। जैसे मेरे सर ने कहा है, भक्ति योगा, कर्म योगा, ज्ञान योगा से हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपनी भक्ति और अपने जोश को और बढ़ाऊंगी, मैं और ज्ञान प्राप्त करूंगी एक अच्छे गुरु से सर, और अपनी कला को और बढ़ाऊंगी। कर्म योग नित्य दिन अभ्यास करके मैं और आगे बढ़ूंगी। मैं अब किसी की निंदा से नहीं डरूंगी, अपने लक्ष्य के प्रति स्थिर रहूंगी, बगैर घबराए बगैर डरे। मुझे को इतना बताए कोई, कैसे तुझसे दिल ना लगाए कोई। कोई रब्बा ने तुझको बनाने में कर दी है उसने की खाली तिजोरिया काजल की। 3, 2 Yeah.